गुड मॉर्निंग क्लास एट स्टूडेंट, दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 10. नेम इज़ इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स. इट इज़ रिटन बाय महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के अनुसार मेरे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने अपने इस जो भी उन्होंने बुक लिखी थी उसका एक छोटा सा पार्ट है. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं. गांधी जी की बुक है मेरे सपनों का भारत, उसी में से ये कुछ अंश लिए गए हैं. लेट स्टार्ट. एवरीथिंग इन इंडिया अट्रैक्ट मी. भारत की हर चीज़ मुझे आकर्षित करती है, ऐसा कहते हैं महात्मा गांधी. इट हैज़ एवरीथिंग दैट ए ह्यूमन बीइंग विद द हाइएस्ट पॉसिबल एस्पिरेशन वॉन्ट कैन वॉन्ट. यानी ये कह रहे हैं कि जो भी इंसान बहुत ऊंची ऊंची आकांक्षाएं रखता है, ठीक है, और जो कुछ भी वो अपने लिए चाहता है वो उसे भारत में मिल सकता है. आई फील दैट इंडियाज मिशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स. गांधी जी कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि इंडिया का मिशन दूसरे जो कंट्री है उनके मिशन से कुछ अलग है. इंडिया इज फिटेड फॉर रिलीजियस सुप्रीमेसी ऑफ द वर्ल्ड. गांधी जी कहते हैं कि भारत में ऐसी योग्यता है कि वो धर्म के क्षेत्र में दुनिया में सबसे बड़ा हो सकता है. देयर इज नो पैरेलल इन द वर्ल्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन दैट दिस कंट्री दैट वॉलंटरी अंडरगो. गांधी जी कहते हैं कि भारत ने आत्मशुद्धि के लिए स्वेच्छापूर्वक जैसा प्रयत्न किया, जैसी उन्होंने कोशिश की है, ऐसा दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता. इट मीन्स इंडिया के जैसा और कोई दूसरा देश संसार में नहीं हो सकता. इंडिया इज लेस इन नीड ऑफ स्टील वेपन्स. इट हैज फाउट विद डाइविन वेपन्स. फिर गांधी जी कहते हैं कि भारत को फौलाद के हथियारों की उतनी ज़रूरत नहीं है, वो तो दैवीय हथियारों से लड़ा है. दैवी हथियारों मतलब अपना जो डिवाइन पावर है उसके अंदर. इंडिया में, इंडिया के लोग ज़्यादा कर धर्म को ज़्यादा मानते हैं, तो उससे वो किसी से भी लड़ सकता है. इट कैन स्टिल डू सो, और वो आज भी ऐसा कर सकता है. ठीक है, आज भी उन हथियारों से वो लड़ सकता है. अदर नेशन हैव बीन विक्ट्रीज ऑफ ब्रूट फोर्स, इंडिया कैन विन ऑल बाय सोल फोर्स. वो कहते हैं जो दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो क्या कर रहे, पशु बल के पुजारी रहे. पशु बल के पुजारी मतलब वो मार काट से ही सबको जीतना चाहते हैं, लेकिन भारत अपने आत्मबल से सबको जीत सकता है. आत्मबल मतलब सोल फोर्स से, यानी कि अपने अंदर की आत्मा से वो सबको जीत सकता है बड़े प्यार से. हिस्ट्री सप्लाइज न्यूमरस इंस्टेंस टू प्रूव दैट ब्रूट फोर्स इज नथिंग बिफोर सोल फोर्स. और ये कह रहे हैं कि इतिहास इस बात की गवाही है, इतिहास इस बात का प्रूफ है कि पशु बल आत्मबल की तुलना में कुछ भी नहीं है. पशु बल मतलब जो मार काट से लोगों को जीतना है, उसके उसके मतलब जो हमारे जो अंदर से हम जिसको जीत सकते हैं अपने आत्मबल से, उसके सामने तो ये पशु बल कुछ भी नहीं है. पोएट्स हैव सैंग अबाउट इट एंड सीस हैव डिस्क्राइब्ड देयर एक्सपीरियंस. और फिर गांधी जी कहते हैं कि कवियों ने इस बल की विजय के गीत गाए हैं और ऋषियों ने इस विषय में अपने अनुभव का वर्णन किया, इट मीन्स डिस्क्राइब किया है. आई शैल वर्क फॉर इंडिया, मैं भारत के लिए काम करूँगा. मैं और क्या बोलते हैं गांधी जी, मैं ऐसे भारत के लिए काम करूँगा इन विच द पुअरेस्ट शैल फील डैट इज देयर कंट्री, जिसमें गरीब लोग को लगेगा कि ये उन्हीं का देश है, ये उनका ही देश है. हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस, और वो इनके इसके निर्माण में शामिल भी होंगे और उनकी आवाज़ भारत की आवाज़ होगी. द इंडिया इन विच
देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास फॉर पीपल। और भारत में कोई भी जिसमें कोई उच्च वर्ग का और निम्न वर्ग का यानी कि हाई क्लास और लो क्लास के लोग नहीं होंगे। द इंडिया इन विच कम्युनिटी शैल लिव इन परफेक्ट हारमनी। और जो भारत के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, सभी लोग बड़े प्यार से रहेंगे, ऐसा भारत चाहते हैं गांधी जी। देयर कैन बी नो रूम इन सच द इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी और कर्स ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स। और फिर गांधी जी कहते हैं कि ऐसे भारत में छुआछूत के अभिशाप या नशीली जो भी चीज़ें हैं पीने वाली या नशीली दवाओं के अभिशाप के लिए कोई भी जगह नहीं होगी, यानी कि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विमेन कैन इन्जॉय द ऑल राइट्स एज मैन। और जो विमेन हैं वो भी मैन के अकॉर्डिंग उनके जितने भी राइट्स हैं उसको इन्जॉय कर सकते हैं, यानी कि जितने अधिकार मैन को है प्रोवाइड और उतने ही विमेन को भी हैं। सिंस वी शैल बी एट पीस विथ ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे पास कल्पना करने योग्य एक अच्छा ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि सिंस वी शैल बी एट पीस विद ऑल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इस तरह से हमारे पास क्या होगा, तब पूरी तरह से शांति होगी। ऑल इंटरेस्टेड इन इनफ्लिक्ट सॉरी कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द डम मिलियन विल बी स्क्रूपुलसली रेस्पेक्टेड वेदर फॉर रीजन और इंडिजनियस। पर्सनली आई हैड डिस्टिंगशन बिटवीन फॉर रीजन एंड इंडिजीनियस। दिस इज द इंडिया ऑफ माई ड्रीम, आई शैल सेटिस्फाई विथ नथिंग एल्स। फिर गांधी जी कहते हैं कि चूँकि हम सारी दुनिया के साथ शांति से रहेंगे, हम शोषण नहीं करेंगे और ना ही शोषण होने देंगे, ठीक है, ना तो हम किसी से लड़ेंगे ना किसी को लड़ने देंगे। हमारे पास कल्पना करने योग्य एक छोटी सी सेना होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं मूक लाखों लोग, मतलब बोल नहीं सकते, ठीक है, के हितों के साथ टकराव में न आने वाले हितों का ईमानदारी से सम्मान किया जाए। मतलब मूक लोग किसको कह रहे हैं, जो बोलना नहीं चाहते, ठीक है, वो कह रहे हैं चाहे वो स्वदेशी हो या फिर विदेशी हो। फिर वो कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे स्वदेशी और विदेशी के भेद से नफरत है। क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली है ना, व्यक्तिगत रूप से मुझे स्वदेशी और विदेशी के भेद से ही नफरत है, यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, ये सॉरी डिफरेंट होता है, उसी से मुझे नफरत है। फिर गांधी जी कहते हैं ये मेरे सपनों का भारत है और मैं इससे कम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होऊंगा। यानी कि मुझे क्या चाहिए, शांति चाहिए, सब लोग मिलके रहें, ऐसा मुझे भारत चाहिए, ठीक है, जहाँ पर सबको बोलने का अधिकार हो, जहाँ पे जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनको समान अधिकार प्राप्त हो, तो ऐसा भारत चाहते हैं गांधी जी। इंडिया इज वन ऑफ फ्यू नेशन ऑन द अर्थ विच हैव रिटेन्ड सम देयर एशियंट इंस्टीट्यूशंस ऑल्दो दे हैव बीन ओवरलेड विथ सुपरस्टिशंस एंड एरर। अब गांधी जी कहते हैं कि भारत पृथ्वी पर उन लोगों में से एक है जिन्होंने अपनी प्राचीनता बरकरार रखी है। प्राचीनता बरकरार रखी है मतलब कि जैसा आप उसमें अध्यात्म में देखिए, हमारे भारत में तो ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, तो भारत ने क्या करी, अपनी प्राचीनता को बरकरार रखा है। हालांकि संस्थाएं मतलब कई लोग हैं जिसमें अंधविश्वास और बहुत सारी त्रुटियां हैं उससे घिरे हुए हैं, और अभी भी है कई जगह ऐसा है, बट शी हैज़ हिदर टू शोन ऑन इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ पंगिंग हरसेल्फ ऑफ एरर एंड सुपरस्टिशंस। फिर वो कह रहे हैं कि लेकिन अब तक वह खुद को गलती और अंधविश्वासों से दंडित करने के लिए अंतर्निहित क्षमता दिखाती रही है।
ये किसकी बात हो रही है, ये भारत देश की बात हो रही है कि भारत में ऐसे लोग हैं जो अभी भी अंधविश्वास में घिरे हुए हैं और उसकी सजा मिल रही है। तो ये भारत माता के लिए कहा गया है कि वो अपने आप को दंडित करने की अंतर्निहित क्षमता अभी भी दिखाती रही है, मतलब उसको नुकसान भी काफ़ी हुआ है। माई फेथ इन आर एबिलिटी टू सॉल्व द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम डैट आर फेस्ड बाय हर एज नेवर बीन सो ब्राइट एज इट इज़ टूडे। अब गांधी जी कहते हैं कि लाखों लोगों के सामने आने वाली आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए उनकी क्षमता में मेरा जो विश्वास है वो पहले कभी इतना नहीं था कि जितना आज है। ठीक है, यानी कि भारत के लोग ऐसे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनकी जो एक एबिलिटी है इकोनॉमिक को लेके वो इंडिया के लोगों में बहुत ज़्यादा है। आई वुड लाइक टू सी इंडिया फ्री एंड स्ट्रॉन्ग, मैं भारत को फ्री और स्ट्रांग देखना चाहता हूँ, स्वतंत्र और मजबूत देखना चाहता हूँ। सो डैट शी मे ऑफर हर सेल्फ ए विलिंग एंड प्योर सेक्रीफाइस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ताकि वह दुनिया की भलाई के भलाई में खुद को एक इच्छुक और शुद्ध बलिदान दे सके, यानी कि वो अपने मन से वो दुनिया के लिए कुछ कर सके। कौन कर सके? इंडिया, भारत माता की बात हो रही है। इंडियाज फ्रीडम मस्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ वर्ड्स आउटलुक अपॉन पीस एंड वर्ल्ड, और भारत की स्वतंत्रता से शांति और युद्ध पर विश्व का जो दृष्टिकोण है, विश्व के जो लोग सोचते हैं, उसमें क्रांति आनी चाहिए, तभी उसका महत्व उसका जो महत्व है वो मन पे पड़ेगा। इंडियाज फ्रीडम सॉरी आई वॉन्ट इंडियाज राइज सो डेट द होल वर्ल्ड मे बेनिफिट। वो ये चाहते हैं, गांधी जी कहते हैं मैं चाहता हूँ कि भारत इतना ऊंचा उठे कि दुनिया को भी उसका फायदा हो। आई डोंट वॉन्ट इंडिया टू राइज ऑन द रून ऑफ अदर नेशन, वो कह रहे हैं मैं ये नहीं चाहता कि भारत दूसरे राष्ट्र की बर्बादी पर खड़ा हो, यानी कि दूसरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचा के भारत खड़ा हो, वो ऐसा नहीं चाहते। इफ इंडिया वॉज स्ट्रांग एंड एबल, अगर भारत स्ट्रांग और एबल था, ठीक है, इंडिया वुड सेंड आउट द वर्ल्ड हर थीसोरेस ऑफ आर्ट एंड हेल्थ हेल्थ गिविंग स्पेस। तो गांधी जी कह रहे हैं कि यदि भारत सशक्त और सक्षम होता तो वो क्या करता, तो वो अपने जो भी अपने भारत की कला है और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी जो सिद्धांत हैं वो दुनिया को भेजता, बट विल रिफ्यूज टू सेंड द अफीम एंड द इंटॉक्सिकेटिंग लिक्योर ऑल दो द ट्रैफिक मे ब्रिंग मच मटेरियल बेनिफिट टू इंडिया। वो क्या करता, लेकिन वो अफीम और नशीले शराब को बाहर भेजने से मना कर देता, है ना। कह रहे अगर भारत इतना सक्षम होता तो वो अफीम वगैरह दुनिया को नहीं भेजता। हालांकि वो कह रहे मानते हैं कि इससे लाभ हो सकता था, इंडिया को मटेरियल बेनिफिट हो सकते थे, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, शायद हो सकता है कुछ ऐसा हो रहा हो। तो गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इंडिया को क्या करना है, खुद सक्षम होना पड़ेगा, और वो बाहर भेजेंगे तो दूसरे लोगों को नुकसान होगा ये सब चीज़ों से, अफीम वगैरह से। तो वो कह रहे हैं दूसरे देशों की बर्बादी करके मैं इंडिया को खड़े होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। इंडियाज डेस्टिनी लाइज नॉट अलोंग द ब्लडी वे ऑफ द वेस्ट ऑफ विच इज शोन साइन ऑफ ट्राइडनेस। फिर गांधी जी कहते हैं कि भारत की जो नियति है वो पश्चिम के खूनी रास्ते पे नहीं है। पश्चिम के खूनी रास्ते का मतलब है कि पश्चिम का मतलब है जो ब्रिटिश साइड के लोग थे, ठीक है, तो वो हमेशा क्या करते थे, लड़ाई वगैरह करते थे। तो वो कहते हैं भारत की नियति ऐसे पश्चिम के खूनी रास्ते पर नहीं है जिससे वे केवल थकने के लक्षण ही दिखते हैं, क्योंकि लड़ाई वगैरह करने से इंसान क्या होता है, थक जाता है। बट अलॉन्ग द ब्लडलेस वे ऑफ पीस डेट कम फ्रॉम ए सिंपल एंड गॉडली, बल्कि इंडिया क्या चाहता है, शांति के रक्तहीन रास्ते पर चलना चाहता है जो सरल है और ईश्वरीय है। ईश्वरीय मतलब भगवान की पूरी तरह से उस पर कृपा है, ठीक है।
इंडिया इज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हर सोल। और फिर वो कहते हैं कि भारत अपनी इस तरह की आत्मा को खोकर वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी, शी कैन नॉट लूज इट, वो ज़्यादा दिन अपनी आत्मा को खोकर जिंदा नहीं रह पाएगी, एंड लिव इट, ठीक है, एंड लिव इट। फिर गांधी जी कहते हैं शी मस्ट नॉट देयरफॉर लेजली एंड हेल्पलेस से आई कैन नॉट एस्केप द ऑन रश फ्रॉम द वेस्ट। तो इसलिए गांधी जी कहते हैं मैं पश्चिम के हमले से नहीं बच सकती, ये गांधी जी नहीं कहती। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रही हैं भारत माता, भारत माता कह रही है मैं पश्चिम के हमले से बच नहीं सकती, आई कैन नॉट एस्केप ऑन रश फ्रॉम द वेस्ट, मैं पश्चिम के हमलों से बच नहीं सकती। शी मस्ट बी स्ट्रांग इनफ टू रिसिस्ट इट फॉर हर ओन सेक एंड डेट द वर्ल्ड। और वो कहती है मुझे इसे अपने और दुनिया के खातिर इसका विरोध करने के लिए मुझे मजबूत होना पड़ेगा, मुझे मजबूत होना चाहिए। अब ये भारत माता के वर्ड जो हैं वो गांधी जी कह रहे हैं। व्हेन इंडिया बिकम सेल्फ सपोर्टिंग सेफलियंट एंड द पुअर एंड प्रूव अगेंस्ट टेम्पटेशन डेट एक्सप्लोशन शी विल सीज टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेडी अट्रैक्शन फॉर एनी पावर इन द वेस्ट और द ईस्ट। गांधी जी कह रहे हैं जब भारत स्वावलंबी होगा, आत्मनिर्भर बनेगा, और प्रलोभन होते हैं, जो लालच होते हैं, और जो अन्वेक्षणों के जो विरुद्ध, अन्वेक्षण मतलब जो होता है जैसे बम वगैरह बनाना, ठीक है, इनके विरुद्ध अगर सिद्ध होगा तो फिर वो क्या होगा, फिर वो पश्चिम और पूर्व किसी भी व्यक्ति की या किसी भी शक्ति के लालची आकर्षण की वस्तु बनना बंद कर देगी। कौन कर देगी, हमारी भारत माता। यानी कि अगर हम लोग ऐसा काम मना कर देंगे कि हम किसी का भी कुछ गलत नहीं करेंगे, है ना, एंड विल देन फील सिक्योर विदाउट हैविंग टू कैरी बर्डन ऑफ एक्सपेंसिव आर्मामेंट्स। और फिर वो कह रहे हैं तो भारत माता ये कहती है कि फिर वो किसी के भी महंगे हथियारों का बोझ उठाए बिना खुद को सुरक्षित महसूस करेगी, क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा होगा तो सारे हथियार वगैरह यूज़ होते हैं, है ना, वो महंगे भी होते हैं। तो जब ऐसा कुछ हो जाएगा कि इंडिया सबके साथ शांति से रहेगा, वो लड़ाई नहीं करेगा, तो उसको किसी हथियार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो भारत माता क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी, है ना। हर इंटरनल इकोनॉमी विल बी स्ट्रांग बल्वर्क अगेंस्ट अग्रेशन। फिर गांधी जी कहते हैं कि उसकी जो आंतरिक अर्थव्यवस्था है वो जो लड़ाई वगैरह है, अग्रेशन है, ठीक है, उसके विरुद्ध सबसे मजबूत गढ़ होगी। मजबूत गढ़ मतलब जैसे किले की जो दीवारें होती हैं ना, ठीक है, किले की जो दीवारें होती है कैसे स्ट्रांग होती है, तो इस तरह से हमारी भारत माता भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये था गांधी जी के सपनों का भारत। गांधी जी भारत को बहुत ही स्ट्रांग बनाना चाहते थे, सब चाहते थे कि सब लोग अच्छे से रहें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज टाइम। चलिए, एवरीथिंग इन इंडिया अट्रैक्ट मी, इंडिया इज फिटेड फॉर रिलीजियस सुप्रीमेसी ऑफ द वर्ल्ड। चलिए देखते जाइए, आप देख लीजिए। चलिए तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर।
फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी थिंक्स डेट इंडियाज इन हिज मिशन, गांधी जी ये क्यों सोचते हैं कि जो भारत का उनका खुद का मिशन है, ठीक है, गांधी जी क्या चाहते थे, आप लिखेंगे बिकॉज गांधी जी टॉट हिज एम, क्या लिखो गया, बिकॉज गांधी जी टॉट हिज एम वॉज टू सेट हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द इंग्लिश। ओके, फिर आपका क्वेश्चन नंबर टू, वाई सोल इज द पावरफुल फोर्स इन द व्यू ऑफ गांधी जी, गांधी जी को क्यों लगता था जो आत्मा है बहुत शक्तिशाली है, क्यों लगता था, बिकॉज वी कैन विन बाय पावरफुल फोर्स, बिकॉज वी कैन विन बाय पावरफुल फोर्स ऑफ सोल टू एवरी वन, क्योंकि आत्मा के पावरफुल सोर्स से हम किसी को भी जीत सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, डिफाइन अनटचेबिलिटी, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम मीन्स नॉट टचिंग द मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कास्ट, नॉट टचिंग द मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डिड गांधी जी हेट डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉरिजन एंड इंडिजियंस, तो आप लिखेंगे गांधी जी डॉट द ब्रिटिश वर्क अस एज लेबर इन आर कंट्री, गांधी जी सोचते थे कि जो ब्रिटिश है वो हमारी कंट्री में हमसे ही लेबर जैसा काम कराते हैं, एंड हैज़ ए डिस्क्रिमिनेशन विथ आवर कास्ट, और हमारी कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन करवा देते हैं, एंड आवर लुक्स, एंड आल्सो डू रॉन्ग एंड अनस्टेबल वर्क, और हमसे गलत काम भी करवा देते हैं, फ्रॉम आवर पीपल, हमारे ही लोगों से हमारे ही खिलाफ, सो ही हेटेड, फिर आप यहाँ से लिख देंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉरिजन एंड इंडिजियस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई डिड गांधी थिंक द इंडिया शुड नॉट राइज ऑन द रून ऑफ द अदर नेशन, गांधी जी ऐसा क्यों सोचते थे, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द गांधी जी इकोनॉमिक्स डैट हर्ट द मोरल वेल बींग ऑफ एन इंडिविजुअल और ए नेशन आर इमोरल, क्योंकि गांधी जी ऐसा सोचते थे कि किसी के जो देश की अर्थव्यवस्था है वो किसी भी दूसरे देश को नुकसान पहुंचा के नहीं होनी चाहिए, तो ये नैतिकता का काम होगा, इसलिए गांधी जी, फिर वही क्वेश्चन से लिखेंगे आप सो डैट, फिर क्या लिखेंगे सो गांधी जी, क्या लिखोगे सो गांधी जी, फिर यहीं से आप लिख लोगे सो गांधी जी, फिर यहाँ पे थॉट लिख देना THOUGST, और फिर पूरा यहाँ से देख के कर लेना। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाई इज इंडिया इन लेस नीड ऑफ स्टील वेपन्स, जो भारत है उसको स्टील वेपन्स की जरूरत क्यों नहीं है, तो इसका जो आंसर है ना वो देखिए लिखा है सेम द आंसर क्वेश्चन नंबर आंसर टू, तो आंसर टू जो है आंसर नंबर टू है वही उसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन है, डिस्क्राइबिंग इन योर वर्ड्स इंडिया ऑफ एम के गांधीज ड्रीम, राइट एनी थ्री पॉइंट, चलिए थ्री पॉइंट लिख देते हैं, आप क्या लिखोगे गांधी जी ड्रीम फॉर इंडिया वॉज ब्रिंगिंग स्वराज इन कंट्री, गांधी जी का पहला ड्रीम क्या था, भारत में स्वराज लाना, एज पर गांधी जी इंडियाज फ्रीडम मस्ट रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड्स आउटलुक और पीस ऑफ वॉर, गांधी जी वॉन्टेड टू रिमूव द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी एंड द चाइल्ड मैरिज डेट प्रीवलेंट इन इंडिया इन पास्ट, फिर से देख लीजिए आप, चलिए क्वेश्चन नंबर एट, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी वेयर डज इंडिया डेस्टिनी लाई, गांधी जी के अकॉर्डिंग भारत की जो मर्यादा है वो कहाँ पे है, तो गांधी जी की लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गांधी जी इंडिया डेस्टिनी लाइज अलोंग द ब्लडलेस वे ऑफ पीस
एंड कम्स फ्रॉम इज सिंपल सिंपल एंड गॉडली लाइफ। इसको भी देख लीजिए अच्छे से, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। चलिए देखिए, जो एक्सप्लेनेशन है वो तो हो चुका है, बट अगर आपको और अच्छे से समझना है तो जो आपका पूरा लेसन है उसका ट्रांसलेशन है, और आप इसको 2-3 बार अच्छे से जब रीड करोगे तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, लेट स्टार्ट। आप बुक अपनी ओपन करिएगा और देखिएगा हर एक चीज़ का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, तो शायद 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से ही है। ओके, गांधी जी कहते हैं, भारत की हर चीज़ मुझे आकर्षित करती है। सर्वोच्च आकांक्षाएं रखने वाले किसी व्यक्ति को अपने विकास के लिए जो कुछ चाहिए वो सब भारत व सब उसे भारत में मिल सकता है। तो गांधी जी ने कहा ना कि जो चीज़ें चाहिए सब भारत में मिल सकती है। ठीक है, फिर गांधी जी कहते हैं, मेरा विश्वास है कि भारत का ध्येय मतलब मिशन, जहाँ पे मिशन था ना, या उद्देश्य, दूसरे देशों के उद्देश्य, ध्येय मतलब क्या था, उद्देश्य से कुछ अलग है। भारत में ऐसी योग्यता है कि वह धर्म के क्षेत्र में दुनिया में सबसे बड़ा हो सकता है, जो बात कही थी ना अभी हमने। ठीक है, भारत ने आत्मशुद्धि के लिए स्वेच्छापूर्वक जैसा प्रयत्न किया है उसका दुनिया में दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। भारत को फौलाद के हथियारों की उतनी आवश्यकता नहीं, वह दैवी हथियारों से लड़ा है और आज भी उन्हीं हथियारों से लड़ सकता है। दूसरे देश पशु बल के पुजारी रहे हैं, भारत अपने आत्मबल से सबको जीत सकता है। इतिहास इस सच्चाई के चाहे जितने प्रमाण दे सकता है कि पशु बल आत्मबल की तुलना में कुछ भी नहीं है। कवियों ने इस बल की विजय के गीत गाए हैं और ऋषियों ने इस विषय में अपने अनुभव का वर्णन करके इसकी पुष्टि की है। फिर गांधी जी कहते हैं, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें सबसे गरीब लोग ही उनका देश होंगे, जिसके निर्माण में वे शामिल होंगे, एक प्रभावशाली आवाज होगी, एक ऐसा भारत जिसमें कोई उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग नहीं होंगे, एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय पूर्ण सद्भाव से रहेंगे, ऐसे भारत में अस्पष्टता मतलब डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, छुआछूत के अभिशाप, अभिशाप मतलब कर्ज, ठीक है, या नशीले पेय नशीली दवाओं के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। महिलाओं को भी पुरुष के समान अधिकार प्राप्त होंगे। चूंकि हम सारी दुनिया के साथ शांति से रहेंगे, शोषण नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे, हमारे पास कल्पना करने योग्य एक छोटी सेना होनी चाहिए। मूक मतलब जो बोल नहीं सकते, ठीक है, मूक लाखों लोगों के हितों के लिए जो साथ में के लिए साथ में टकराव न आने वाले सभी हितों का ईमानदारी से सम्मान किया जाएगा। फिर गांधी जी कहते हैं, चाहे विदेशी हो या स्वदेशी, व्यक्तिगत रूप से मुझे स्वदेशी और विदेशी के भेद से नफरत है। ये मेरे सपनों का भारत है, मैं इससे कम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होऊंगा। भारत पृथ्वी पर उन देशों में से एक है जिन्होंने अपनी प्राचीनता बरकरार रखी है। हालांकि संस्थाएं अंधविश्वास और त्रुटि से घिरी हुई हैं, लेकिन अब तक वह खुद को गलतियों और अंधविश्वासों से दंडित करने की अंतर्निहित क्षमता दिखाती रही है। लाखों लोगों के सामने आने वाली आर्थिक समस्याओं को हल करने की उनकी क्षमता, मेरा विश्वास पहले कभी इतना नहीं था जितना आज है। फिर गांधी जी कहते हैं, मैं भारत को स्वतंत्र और मजबूत देखना चाहता हूँ ताकि वह दुनिया की भलाई के लिए खुद को एक इच्छुक और शुद्ध बलिदान दे सके। भारत की स्वतंत्रता से शांति और युद्ध पर विश्व के दृष्टिकोण में क्रांति आनी चाहिए। जब भारत आज़ाद होगा ना, तो मतलब दूसरे लोग भी उससे सीख लें,
उसका महत्व मन पर प्रभाव डालता है। फिर गांधी जी कहते हैं, मैं भारत का उत्थान चाहता हूँ ताकि पूरी दुनिया में फ़ायदा हो। मैं नहीं चाहता कि भारत दूसरे राष्ट्र की बर्बादी पर खड़ा हो। यदि भारत सशक्त और सक्षम होता तो सामने भेजता, लेकिन मतलब सामने मतलब सामान वगैरह भेजता, जो भी चीज़ें होती वो भेजता, लेकिन अफीम और नशीली शराब को बाहर भेजने से मना कर देता। हालांकि यातायात से भरे भारत को बहुत ही भौतिक लाभ हो सकता था, या यातायात से भरा मतलब जैसे और लोग जो कमाई कर रहे हैं उन नशीली चीज़ों से, तो भारत को लाभ हो सकता था, लेकिन भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं। फिर गांधी जी कहते हैं, भारत की नियति पश्चिम के खूनी रास्ते पर नहीं है जिससे वह थकने के लक्षण दिखाता है, बल्कि शांति के शक्तिहीन रास्ते पर है जो सरल और ईश्वरीय है, ईश्वरीय जीवन से आता है। वह इसे खोकर नहीं जी सकती, वह कौन, भारत माता, ठीक है। इसलिए उसे आलस्य और असहाय से नहीं कहना चाहिए कि मैं पश्चिम के हमले से बच नहीं सकती। ये वो कह रहे हैं गांधी जी कि भारत माता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं पश्चिम के हमले से बच नहीं सकती, वो तो एकदम सशक्त है। इसे अपने और दुनिया के खातिर इसका विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए, भारत माता के लिए कह रहे हैं। जब भारत स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनेगा, प्रलोभनों तथा अन्वेषणों के विरुद्ध सिद्ध होगा, वह पश्चिम या पूरब के किसी भी शक्ति के लालची आकर्षण की वस्तु बनना बंद कर देगी और महंगे हथियारों का बोझ उठाए बिना सुरक्षित महसूस करेगी हमारी भारत माता। उसकी आंतरिक अर्थव्यवस्था आक्रामकता के विरुद्ध सबसे मजबूत गढ़, मतलब पता है ना, कुछ जैसे किले की दीवार होती है वैसी बनेगी। तो ये था लेसन, उसको आप फिर से रीड कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। हो सकता है कि कुछ प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग कंटिन्यू हो रही है। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।